हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3, दैट इज योर सर्कल का प्रैक्टिस सेट 3.4। देखो भाई, ये चैप्टर ना बहुत लोगों को, जितने भी 10th के स्टूडेंट है वो सबको क्या लगता है, हार्ड लगता है। बट भाई, ये चैप्टर हार्ड नहीं है, ये कंसेप्चुअल चैप्टर है। जी, आपने सही सुना, ये कैसा चैप्टर है? कंसेप्चुअल। इसमें अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर ईजी लगेगा। और याद रखना, कंसेप्ट समझने का सिर्फ एक ही मीडियम है, एंड दैट इज़ योर डायग्राम्स। जितना आपको डायग्राम्स इस चैप्टर के अच्छे से याद रहेंगे, उतने ही अच्छे से आप कंसेप्ट को रिलेट कर पाओगे। तो चलिए हम देखते हैं, अभी तक हमने इसमें 3.3 तक कंप्लीट किया, तो कौन से टॉपिक्स पढ़े। टॉपिक्स टू बी स्टडीड में अगर हम चेकआउट करें तो 3.1 में हमने टैंजेंट थ्योरम कंप्लीट किया है, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम कंप्लीट किया है। अब ये जो पार्ट आपको दिया ना, ये रिवीजन के लिए दिया, और ऐसे ही रिवीजन आपको ऐसे ही करना है। देखो, टैंजेंट थ्योरम का डायग्राम है, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम का भी डायग्राम है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2, तो इसमें इंटरनल टचिंग, एक्सटर्नल टचिंग और इसके टचिंग सर्कल की क्वेश्चंस थे, जो कि हमने क्वेश्चन में 4 और 5 में चेकआउट किया था। नेक्स्ट मूव करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3 में। 3.3 में अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट बात करेंगे अगर हम प्रैक्टिस सेट 3.3 पर, तो इसमें हमने सॉल्व किया मेजर आर्क एंड माइनर आर्क के क्वेश्चन, जो कि दोनों को ऐड करके आपको कंप्लीट 360 डिग्री मिल रहा था। और हमने सॉल्व किए क्वेश्चंस कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स और आर्क के क्वेश्चन। इसमें देखो क्या लिखा है मैंने, कॉर्ड्स इक्वल तो आर्क भी इक्वल, और आर्क इक्वल तो कॉर्ड भी इक्वल। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4। देख भाई, सबसे पहले मैं बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। क्या बोला मैंने? इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से सुनना। फर्स्ट वन इज़ योर इंस्क्राइब्ड एंगल, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये दोनों चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये टेंजेंट सेकेंड भी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो ये तीनों टॉपिक से बहुत, बोलते ना, बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आएंगे। इसको नहीं कंसिडर किया, क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये इसी इंस्क्राइब्ड एंगल से रिलेटेड है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, या तो फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन उठाते, क्वेश्चन के अंदर हम चीज़ों को समझते जाएंगे। बट हमें फिर भी इंस्क्राइब्ड एंगल तो समझना पड़ेगा और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ इंस्क्राइब्ड एंगल। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है। देख भाई, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस बनने वाले हैं। जब हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम की बात करेंगे, इसको थ्योरम भी बोला जाता है, जब हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम की बात करेंगे तो इसमें ना भाई, सबसे पहले आपके पास क्या रहेगा ना, एक सर्कल रहेगा। और अगर इस सर्कल में मैं एक ऐसा एंगल ड्रॉ करता हूँ जिसके पॉइंट्स हैं, अभी कौन से पॉइंट्स रहेंगे तो ध्यान से देखना। दिस इज़ पॉइंट नंबर 1, दिस इज़ पॉइंट नंबर 2 एंड दिस इज़ पॉइंट नंबर 3। अगर तीनों के तीनों पॉइंट आपके सर्कल के ऊपर लाए कर रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं, देखो तीनों पॉइंट सर्कल के ऊपर है क्या? ये भी सर्कल के ऊपर है, ये भी सर्कल के ऊपर है, ये भी सर्कल के ऊपर है। तो ऐसे कंडीशन में आपका ये जो एंगल बनता है, सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो एंगल ए बी सी को आप बोलोगे इंस्क्राइब्ड एंगल। क्या बोलेंगे भाई? तो इंस्क्राइब्ड एंगल बोलेंगे, बराबर। ये एक बेसिक पार्ट हो गया कि ऐसे एंगल्स को आप इंस्क्राइब्ड एंगल बोलेंगे। अब अगर मैं इंस्क्राइब्ड एंगल की बात करूँ, तो सपोज मैंने यहाँ पर एक पॉइंट और कंसिडर कर लिया, सपोज मैंने इसको ले लिया पॉइंट नंबर डी, बराबर। तो यहाँ पर ये जो मेरा इंस्क्राइब्ड एंगल है, अब इसमें से मैं सिर्फ क्या देखने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ यही पैटर्न्स को चेक करूंगा। ये जो ब्लैक कलर का लाइन है वो, मतलब क्या कि मैं ये एंगल पे फोकस करने वाला हूँ, और उसके साथ साथ ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, तो इंटरसेप्टेड आर्क क्या हो जाएगा, इसे ग्रीन वाले को क्या बोलेंगे, इंटरसेप्टेड आर्क। तो जब आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपका स्टेटमेंट कुछ ऐसा जाएगा, एंगल ए बी सी इज इंटरसेप्टेड, या फिर एंगल ए बी सी इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल। एंगल ए बी सी आपका क्या रहेगा, इंस्क्राइब्ड एंगल है, बराबर। एंड आर्क ए डी सी इज एन इंटरसेप्टेड आर्क। कौन सा आर्क भाई? तो इंटरसेप्टेड आर्क। अगर ऐसा स्टेटमेंट आपको मिल जाता है तो ये कंडीशन में आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि मेजर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू इंटरसेप्टेड आर्क, हाफ इंटू इंटरसेप्टेड आर्क। पहले आप ऐसा लिख लो,
ये बेसिक स्टेटमेंट रहेगा, फिर इसके बाद आप पुटअप करो। अभी देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेजर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ, इंटरसेप्टेड आर्क क्या है भाई, इंटरसेप्टेड आर्क है ए डी सी। तो याद रखो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, आर्क ए डी सी। हमेशा आपको इंटरसेप्टेड आर्क के फॉर्म में ही चीज़ों को कवर आउट करना है। तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ योर इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर हम यही स्टेटमेंट्स को यूज़ करने वाले हैं कि इंस्क्राइब्ड एंगल जो होगा दैट विल बी हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। अब इसके साथ साथ एक और होता है सर्कल, जिसको मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 3.3 में बताया था कि यहां पर हम यूज करते हैं डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क। अब आप बोलोगे सर ये सारा चीज क्यों बता रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व, भाई डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा बट वो तो बहुत सारे चैनल करवा देते हैं, बट यहाँ पर आपको हम पहले ये बता देंगे कि आप कौन सी प्रॉपर्टीज को यूज करने वाले, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना इज वेरी मच सिंपल, आप उसे खुद से सॉल्व आउट कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क की बात करूँ तो इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक सर्कल रहेगा बराबर, और इस सर्कल के सेंटर से क्या बनेगा भाई, तो सपोज ऐसे एंगल बना है, इस एंगल को हम नाम क्या देते हैं, ये जो एंगल बना है इसको हम नाम देते हैं क्या भाई, तो सेंट्रल एंगल, क्या देते हैं, सेंट्रल एंगल। अब सपोज मैंने इसका नेमिंग किया है ए बी सी और यहाँ पर आर्क मैंने बना दिया ई, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को दो चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहले तो ये एंगल पर ध्यान देना है, ये वाले एंगल पर ध्यान देना है और ये इंटरसेप्टेड आर्क पर ध्यान देना है। इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो आपका मेजर एंगल ए बी सी है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द इंटरसेप्टेड आर्क, मतलब ये मेजर आर्क ए ई सी के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और जब आप यहाँ पर रीजन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क, और यहाँ पर क्या रहता है इस कंडीशन में, हाफ रहता है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आएंगी तो साथ में आएंगी। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक हम उठाते हैं, दैट इज योर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा भाई, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना, एक सर्कल रहेगा और सर्कल के अंदर आपका एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा और जिसके चार के चार पॉइंट्स आपके सर्कल के ऊपर रहेंगे। चार के चार पॉइंट मतलब एक पॉइंट, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर, चारों के चारों पॉइंट सर्कल पे हैं, तभी आप ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे कि भाई यस दिस क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो सपोज मैंने इसका नाम दे दिया पी क्यू आर एस, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो अपोजिट एंगल रहेगा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और इसके साथ साथ एंगल क्यू एंड एंगल एस, इस कंडीशन में आपके जो एंगल्स रहेंगे, मतलब एंगल पी प्लस एंगल आर, ये कितना हो जाएगा सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल क्यू प्लस एंगल एस, ये कितना हो जाएगा भाई, तो 180 डिग्री। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए, क्योंकि ये दोनों टॉपिक का हम बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। चलिए प्रैक्टिस सेट 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 को जब रीड आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या बोला है, सर्कल विद सेंटर ओ, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी जो है इज इक्वल टू द रेडियस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये जो ए बी है ये ओ ए और ओ बी के इक्वल है बराबर। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको ये सारे एंगल्स फाइंड आउट करने, तो सबसे पहले आप यहाँ पर रेडिंग क्या डाल देंगे भाई, सोल्यूशन डाल देंगे। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, कॉर्ड ए बी इज equal to the radius of circle, to the radius of circle। अच्छा, अगर radius of circle के equal है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी बराबर। यह आपका स्टेटमेंट क्लियर आउट हो गया। इसके बाद आप कहाँ जाएंगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी, फिर यहाँ पर आप वापस क्या लिखेंगे, रेडियस ओ ए इज इक्वल टू रेडियस ओ बी इज इक्वल टू कॉर्ड ए बी, ये तीनों इक्वल है। देयरफोर आप क्या लिखेंगे, देयरफोर ट्रायंगल ओ ए बी, देयरफोर ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल,
तो रीजन हमेशा मैं रेड पेन से लिखूंगा, वो याद रखना। यहाँ पर ये ऑल है, ए एल डबल एल ले लो, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके सारे एंगल्स कितने रहेंगे भाई, 60 डिग्री रहेंगे। मतलब क्या कि मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू मेजर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू मेजर एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। इसका रीजन क्या रहेगा, तो मेजर ऑफ, या फिर आप लिख सकते हैं एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब इसमें से मुझे सिर्फ कौन से एंगल को यूज़ करना है, तो मुझे यूज़ करना है सिर्फ ए ओ बी को। अभी मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में, अभी मैंने आपको ये जो इसका बेसिक था, बेसिक में मैंने आपको बताया था कि अगर सर्कल रहेगा और यहाँ पर सेंटर से एंगल बन रहा है तो ये एंगल हमेशा ये आर के इक्वल रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, देखो ध्यान से सुनो। इसके लिए मैं यहाँ पर आपके लिए एक डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर ये आपका बड़ा सर्कल है जिसके अंदर ये आपका बिगर लाइन है, बराबर। और यहीं पर सेंटर में से आपको एक शॉर्टर लाइन भी मिल रही है जो यहीं पर जा रही है, बराबर। और ये एक लाइन इधर है, बट इस लाइन की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए लाइन को क्या करता हूँ, गायब करता हूँ। और यहाँ पर हम बनाते हैं नेक्स्ट लाइन, दैट इज़ आवर लाइन विल बी ये आर्क वाला लाइन, बराबर। अब ये आर्क की बात करते हैं हम। सेंटर में नेमिंग मुझे क्या दिया, तो यहाँ पर दिया है ए और यहाँ पर दिया है बी और यहाँ पर दिया है ओ। अब ये एंगल मुझे कितना मिल गया भाई, तो 60 डिग्री। अगर ये एंगल 60 डिग्री तो ये आर्क भी कितना रहेगा, 60 डिग्री। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यही रहेगा कि मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू मेजर आर्क ए बी। इसका रीजन क्या रहेगा, तो डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क, बराबर। आई होप आपको इतना समझ में आया। अब मेजर आर्क ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, मेजर आर्क ए बी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए ओ बी कितना है, तो भाई 60 डिग्री। तो ये आपको फर्स्ट पार्ट मिल गया। मेजर दो चीज़ें आपको स्टार्टिंग में मिल चुकी है। सबसे पहले तो आपने ये एंगल ए ओ बी ढूंढ लिया और उसके साथ आर्क ए बी ढूंढ लिया, डन। देखिए ए ओ बी आपको किधर मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आपको चाहिए तो आप लिख दीजिए, देयरफॉर मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और इसको इसे बॉक्स में कर लो। ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट नंबर वन। नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। फिर उसके बाद आपको आर्क ए बी मिल गया, आर्क ए बी मिल गया 60 डिग्री। अब आपको फाइंड करना है एंगल ए सी बी। अब एंगल ए सी बी की अगर मैं बात करूँ, तो देखो ये ऐसा एंगल है जिसके तीनों पॉइंट सर्कल को टच कर रहे हैं। अगर तीनों पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल। अब इसके लिए मैं अलग से एक आपको डायग्राम बना देता हूँ। देखो ये आपका सर्कल हो गया और इसमें आपने तीन पॉइंटर्स बनाए हैं। याद रखना सर्कल के क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही सॉल्व आउट करना है, थोड़े थोड़े पार्ट्स में सॉल्व आउट करना है। ये ए, ये सी, ये बी। अगर आप पूरा एक ही साथ करने जाएंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ये वाला पॉइंट है। अब इसमें बताइए ये तीनों पॉइंट्स, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री, तीनों के तीनों किधर लाई कर रहे हैं, सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, मेजर एंगल ए सी बी, या फिर आप ऐसे लिखिए आर्क ए बी, आर्क ए बी इज इंटरसेप्टेड बाय एंगल ए सी बी। देयरफॉर कौन सा थ्योरम, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम आपका क्या बोलता है कि जो एंगल रहेगा मेजर एंगल ए सी बी, दैट इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क। इंटरसेप्टेड आर्क कौन है इधर, तो आर्क ए बी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आर्क ए बी। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ब्रैकेट। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, मेजर एंगल ए सी बी का वैल्यू आपको पता है क्या, नहीं पता है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेजर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू आप लिखेंगे हाफ इंटू ए बी का वैल्यू मिला हमें, यस ए बी का वैल्यू हमें यहाँ पर कितना मिला, 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या पुट अप करेंगे भाई, तो 60 डिग्री। अब बताइए मेजर एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, देयरफॉर मेजर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट हो गया। मतलब ये हमने कौन सा फाइंड कर लिया, तो एंगल ए सी बी फाइंड कर लिया। अब मुझे फाइंड करना है आर्क ए सी बी। आर्क ए सी बी के लिए हम प्रैक्टिस सेट 3.3 यूज़ करेंगे, दैट इज़ और मेजर आर्क और माइनर आर्क, मेजर आर्क और माइनर आर्क। अब अगर आप ध्यान से चेकआउट करें तो आर्क ए सी बी देखो ये है,
ये आपका आर्क ए सी बी हो गया पूरा ग्रीन वाला, और अगर मैं आर्क ए बी की बात करूँ तो ये हो गया मेरा आर्क ए बी। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो मुझे 360 मिलता, दैट इज़ कम्प्लीट सर्कल, मतलब ये मेजर आर्क हो गया और माइनर आर्क हो गया। मतलब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, ध्यान से सुनिए, मैं जो लिखने वाला हूँ वो लिखूँगा मेजर आर्क ए सी बी प्लस मेजर आर्क ए बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो मेजर आर्क प्लस माइनर आर्क, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क मेक्स अ कंप्लीट सर्कल। क्या बनाता है ये, तो कंप्लीट सर्कल बनाता है, बराबर। आई होप आपको इतना समझ में आया। अब आर्क ए बी का वैल्यू आपको पता ही है कितना भाई, तो 60 डिग्री है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख दीजिए, मेजर आर्क ए सी बी प्लस, इसकी जगह आप कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसकी जगह आप जो सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी 60 डिग्री। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 60 डिग्री को आप दूसरे साइड लेकर जाइए, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेजर आर्क ए सी बी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज गोइंग टू बी 300 डिग्री। तो ये जो आपका मेजर आर्क ए सी बी का वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी 300 डिग्री। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे। याद रखना फाइनल आंसर में आपको तीनों वैल्यू लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे एंगल ए ओ बी, ए ओ बी आपको कितना मिल गया 60 डिग्री। फिर आप लिखेंगे मेजर एंगल ए सी बी, ये आपको कितना मिल गया 30 डिग्री। फिर आप क्या लिखेंगे, मेजर आर्क ए बी, ये आपको कितना मिल गया 60 डिग्री। फिर आप क्या लिखेंगे, मेजर आर्क ए सी बी, ये आपको कितना मिल गया 300 डिग्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया रहेगा कि कैसे हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया है, जो जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताया वो सारे प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो इसके आगे के क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये बेसिक हमेशा याद रखिए, बेसिक लिख के रखिए, क्योंकि जब आप नेक्स्ट वीडियो प्ले आउट कर रहे हैं तो उससे पहले आप ये बेसिक्स को रीड आउट करिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर भाई बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जा रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, और अगर आप चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि ऐसे न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको यहाँ पर हमेशा मिलते रहेंगे।